नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लौकी खाने के ऐसे फायदों के बारे में जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। और उन लोगों को ये जानकारी जरूर सुननी चाहिए जो कि लौकी खाने से चिढ़ते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप यकीनन लौकी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, लौकी को कई जगहों पर घिया के नाम से भी जाना जाता है। लौकी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा लौकी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कि कुछ गंभीर बीमारियों में औषधि की तरह ये लौकी वर्क करती है। जी हाँ, आमतौर पर लोग लौकी खाने से बचते हैं, कुछ को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो कुछ को ये पता नहीं होता कि ये कितनी फायदेमंद चीज है। अगर आपको भी लगता है कि लौकी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लौकी एक बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बेनिफिशियल वेजिटेबल है, जिसके इस्तेमाल से आप कई सारी बीमारियों से राहत पा सकते हैं या कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं लौकी खाने के लाजवाब फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों, कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि लौकी खाने से वजन कम होता है। जी हाँ, अगर आप मोटापे के शिकार हैं, मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन किसी भी दूसरी चीज़ की तुलना में लौकी ज़्यादा तेज़ी के साथ वजन कम करती है। आप चाहें तो लौकी का जूस नियमित रेगुलर रूप से पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे उबालकर नमक डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक कम डालना, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, लौकी में नेचुरल वाटर होता है, ऐसे में इसके नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर प्राकृतिक रूप से चेहरे पर रंगत आती है। आप चाहे तो इसके जूस का सेवन कर सकते हैं या फिर उसकी कुछ मात्रा हथेली में लेकर चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी की एक स्लाइस को काटकर चेहरे पर मसाज करेंगे तो इससे चेहरे पर ग्लो आएगा और चेहरे की जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दाग धब्बे वगैरह, उसको दूर करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज़ से अगर आप परेशान हैं, तो डायबिटीज़ रोगियों के लिए लौकी बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है। जी हाँ, मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उनके लिए लौकी किसी वरदान से कम नहीं है। हर रोज़ सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस पीना मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं, तो आप लौकी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, अगर आपको पाचन क्रिया से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि खाना ठीक से नहीं पच रहा हो, कब्ज जैसी समस्या हो, तो इसके लिए भी दोस्तों लौकी एक बेहतरीन उपाय है। लौकी का जूस काफ़ी हल्का होता है और इसमें कई प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो कब्ज और गैस की समस्या, दोनों समस्याओं में राहत देने का काम करते हैं। तो इस समस्या से दूर रहने के लिए भी लौकी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको बता दें कि लौकी में कई तरीके के प्रोटीन, विटामिन और लवण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। ये पोषक तत्व शरीर की कई सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों की एक आदत है, हम कितना भी हेल्थ के लिए केयरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम अपने मन को मारना नहीं जानते। यानी कि हम ऐसी चीज़ों को ज़रूर खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। अब फिर वो चाहे समोसा हो, चाट हो, पानी पूरी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें शरीर के लिए कोई अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये टेस्टी इतनी लगती है कि आदमी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और इनको अगर ज़्यादा खाएं तो इससे क्या क्या नुकसान है? दोस्तों, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो कि खास तौर पर इंडियन लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उन लोगों को खास तौर पर होता है जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो दोस्तों, लौकी का इस्तेमाल करना दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। अगर आप तला भुना ज़्यादा खाते हैं, बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको लौकी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी और हेल्प करेगी आपके शरीर को अंदर से ठीक रखने में।
तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी लोकी के बारे में। देखा आपने एक लोकी में कितने सारे फायदे छुपे हुए होते हैं, लेकिन केवल इसके टेस्ट की वजह से हम इसे खाना पसंद नहीं करते और इतने सारे जो फायदे इससे मिल सकते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों लोकी खाइए और अपनी हेल्थ को दुरुस्त बनाइए। तो दोस्तों यही होती है हमारी जानकारी समाप्त। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।